मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शिव एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नर्डी राइडर्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और आज हम जाने वाले हैं एक छोटी सी और प्यारी सी राइड पे। काफ़ी टाइम हो गया राइड पे नहीं गया क्योंकि बारिश बहुत है यहाँ पे। और आज क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी बाइक थोड़ी हमने मॉडिफाई की थी, हैंडल बार चेंज किया था, थोड़े लाइट्स वगैरह लगाए थे। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा सा राइड करके देखते हैं कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं। तो अगर आपने मेरा बाइक मॉडिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही होगी आई बटन में, आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया और कैसे कराया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरा काम ज़रा भी अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। बाकी की बातें हम करते हैं गोप्रो में। तो हमने स्टार्ट कर ली अपनी मॉर्निंग राइड और हम निकल चुके हैं अब कल्याण से। ये है कल्याण और ये जो प्लेस है वो मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक मॉर्निंग राइड है छोटी सी प्यारी सी। बट जो प्लेस है ना वो काफ़ी खूबसूरत है, जब मैंने फ़ोटोज़ में देखा था तभी मैं एकदम हो गया था कि हाँ भाई यहाँ जाके एक तो व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाइक मॉडिफाई भी कर ली है तो थोड़ा सा टेस्टिंग भी अपना हो जाएगा कि बाइक में और कुछ तो करवाना नहीं है, और प्लस वो प्लेस को हम विज़िट भी कर लेंगे। एंड आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, हल्की सी धूप है और मौसम काफ़ी अच्छा है। पर मैं पूरे तैयार के साथ निकला हूँ घर से क्योंकि मुंबई में बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो रेनकोट अपने पास है ही और रेनकोट भी मैंने न्यू राइनॉक्स का लिया हुआ है, देखते हैं वो भी मैं फर्स्ट टाइम पहनूंगा राइड के टाइम पे। मुझे लगता है बारिश स्टार्ट हो गई है, हाँ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लगता है हमें भी पैक होना पड़ेगा। हाँ आप साइड में लगाते हैं गाड़ी जल्दी से और रेनकोट पूरा पहनते हैं, मोबाइल अंदर, सब करना पड़ेगा जल्दी से। तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई, जो मैंने पूरा अपने आप को पैक कर लिया मोबाइल अंदर, गोप्रो का भी केस चेंज कर दिया है। अभी शायद से आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि माइक कनेक्टेड नहीं है, मुझे चिल्ला के बात करनी पड़ेगी। बाय द वे आपको प्लेस का नाम मैंने नहीं बताया, प्लेस है डिंडीगढ़ टेम्पल, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो ये एक शिव जी का टेम्पल है और शिव जी के तो हम भक्त हैं, छोटे मोटे ही सही पर भक्त तो हैं। ट्रैफिक भी कम हो गया है, बारिश भी कम हो गई है और हम आधा रास्ता हमने कवर भी कर चुके हैं। हम पता नहीं मेरी वॉइस कितनी आ रही होगी बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा आए। अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 160 पे, यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स और है। जो ऑरेंज टी शर्ट में जो मिले थे उनका नाम था आकाश पाटिल, तो उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया, पहले मैं रॉन्ग रास्ते से जा रहा था और उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट था बाइक और ये ब्लॉगिंग के बारे में, तो कैमरे के बारे में पूछ रहे थे। तो अच्छा लगता है जब ऐसे कोई पूछता है, तो उन्हें थोड़ा उन्हें गाइड किया और उन्होंने कॉन्टेक्ट भी शेयर किया। अभी माउंटेन स्टार्ट हो गया है तो अभी से ब्यूटीफुल व्यू देखने स्टार्ट हो जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी प्लेसेस हैं जो इंडिया के बाहर भी नहीं होंगी, इतनी खूबसूरत प्लेसेस।
ये उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल था। तो पार कर दी हमने लालपरी को और यहाँ पे है मंदिर। बेस्ट बात यहाँ पे है कि अभी तक मुझे कोई भी दिखा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक दो लोग दिखे हैं। तो ये प्लेस ऐसी है शायद कि किसी को पता नहीं होगी, पर देखिए ना कितना अच्छा लगा है, ग्रीनरी है अच्छी। सुबह सुबह इतनी बेस्ट राइड हो नहीं सकती थी, वो भी इतने कम टाइम में। व्यू काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मजा आ गया यहाँ के, अभी ऊपर शिव जी के दर्शन हो जाएंगे तो और मजा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द टेंपल आफ्टर 10-15 मिनट्स ऑफ ट्रैक। वी हैव रीच्ड टू द टेंपल। पंडित जी बोल रहे हैं अभी के लिए दर्शन थोड़ा बंद किया है, पर मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला आपके लिए थोड़ा खोल देंगे। तो ये है मेन टेंपल, जय भोलेनाथ। जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग है जैसे घूम कहते हैं ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सेम फीलिंग है, बता नहीं सकता आपको कितना सुंदर है। हर हर महादेव। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? अरे साहेब बहुत साल से है, ये मंदिर नहीं सब कुछ अपने लोग काम करते हैं, किया गया है। अच्छा। अपने लोग सेवा करते हैं महादेव, ये पूरी अपने ही हुए है कारम, सब अपने ही दुखी है। मौज आया फकीर का दिया झोपड़ा को, मार्जन बोलसा तो पटोरा ही बिछेगा। बढ़िया बढ़िया। ये जिंदगी में कुछ जाने वाला नहीं है, कहा गया है इंसान से इंसान मिले गले दो दो बात, और गधा से गधा मिले तुम्हारे दो दो। क्या बात है। दर्शन हमने कर लिए, अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। काफ़ी अच्छी प्लेस है, मेन पॉइंट यही कि यहाँ पे रश नहीं, अभी तक लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेचर के पास है एकदम। सो हम दर्शन करके आ गए अपनी लालपरी के पास। काफ़ी मज़ा आ गया, इतने आराम से दर्शन हुए ना, एकदम दिल खुश हो गया नज़ारे देख के और भोले का दर्शन करके, मज़ा आ गया। चलो अब निकलते हैं। तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, मैं सोच रहा था माइक अटैच करता हूँ, उड़ते में बारिश चालू, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी। आवाज़ क्या क्या करना है, सुंदर सुंदर व्यू का मज़ा लीजिए आप लोग। हमारे आसपास ऐसी कई खूबसूरत प्लेसेस हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिन्हें अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, जैसे कि ये थी। तो ऐसी और भी प्लेसेस हैं जो मैं एक्सप्लोर करूंगा और आपके सामने लेके आऊंगा। लुक एट द व्यू, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कल्याण, डोंबिवली या फिर विठलवाड़ी और भिवंडी के आसपास रहते हैं, तो प्लीज़ इस प्लेस पे आके विज़िट करें।
इंजॉय करें, बट हाँ ध्यान रखें, नेचर को साफ़ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं, तभी मज़ा आता है, वरना यहाँ पे गंदगी होगी कोई नहीं आएगा। तो आपको ये प्लेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी तो लगी होगी, ना लगने का कोई रीज़न है नहीं। और अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरा ID नीचे आ रहा होगा, आप जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, इसकी पिक्स एंड एवरीथिंग आई विल अपलोड ऑन इंस्टा। चलिए तो हम निकल चुके हैं टेम्पल एरिया से, हर हर महादेव। तो अभी आपको मैं रिटर्न फिर से वही व्यू दिखा के बोर नहीं करूँगा, मुझे लगता है यहीं पे इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए। प्लीज़ बताएं कि आपको ये प्लेस कैसी लगी और मुझे ये ऐसे और प्लेसेस विज़िट करनी चाहिए या नहीं। और अगर आपको अब मेरा काम अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।